तो हम लोग अभी न्यू टॉपिक आर्मेचर पढ़ेंगे। तो क्या कह रहा है आर्मेचर कि डीसी मशीन में गतिशील भाग आर्मेचर अथवा रोटर कहा जाता है। गतिशील भाग यानी कि जो मूव करते रहता है बीच में, ये यहां से मूव करते रहता है, यही गतिशील भाग। ये पूरा जो है आर्मेचर का ये डायग्राम आपका बना हुआ है। ये जो है बीच में, ये क्या है, खांच है जिसमें क्या किया जाता है, एल्यूमिनेट यानी कि ऐसा पेपर जो इंसुलेटेड पेपर द्वारा क्या किया जाता है कि उसके ऊपर मेही टर्न से यानी कि सबसे पतले टर्न से कुंडली टाइप से लपेट दिया जाता है, या मोटे तार से उसको टर्न यानी कि कुंडली टाइप से करके उसमें लपेटा जाता है। वो क्या करता है कि अंदर से किसी भी वायर में टच नहीं होने देता है, और जब टच नहीं होगा तो उसमें लगातार करंट उसको मिलते रहेगा, शॉर्ट सर्किट नहीं होंगे। और ये है दिक परिवर्तन, यानी कि यह क्या करता है कि कम्युनिकेटर का काम करता है, एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है। और यहाँ पर ये क्या लगा हुआ रहता है, वायरिंग लगा होता है, जिसके जरिए इन आर्स वायर यहाँ पर क्या होता है, रोटर, इसके यहाँ पर कुछ लगा हुआ रहता है और कुल्ली, इसके जरिए क्या होता है, वो जैसे ही इसमें करंट डालेंगे वो चलने लगता है, जो कि स्थिर रोटर में गति करता है। ये जो है स्थिर रहता है, ये जो पार्ट है ऊपर से स्टेटर के अंदर ये दिया हुआ रहता है, ये स्थिर पार्ट होता है, कहाँ स्टेटर के अंदर लगा हुआ रहता है, और बीच में ये मूव करते रहता है। जब ये मूव करता है, गतिमान होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन बनने लगता है, और इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है कि उसमें रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है। रेजिस्टेंस जब फॉलो होगा तो इसमें जब घूमेगा तो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगी, यानी कि जब मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा तो क्या होगा, ईएमएफ पैदा होगा, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उत्पन्न होगा तो क्या होगा, ये इसमें करंट प्रवाह होने लगेगी। आर्मेचर का प्रत्येक कोर 0.3 mm से 0.5 mm मोटी उच्च चुंबकीय क्षमता वाली इस्पात यानी कि स्टील की पट्टियों द्वारा बनाया जाता है। ये किसकी पट्टी से बना होता है, इसका साइज कितना होगा, 0.3 mm से 0.5 mm मोटी हाई मैग्नेटिज्म वाली इस्पात यानी कि स्टील की पट्टी से बना होता है। यही है स्टील का पट्टी, जिसकी प्रत्येक पट्टी पर वर्निश की पतली परत चढ़ा देती है। ये जो पट्टी है, इसके हर एक पट्टी पर वर्निश की पतली परत चढ़ा दी जाती है। क्यों चढ़ाया जाता है, ताकि इस पे नमी का कोई असर ना हो, और जो अर्थ लीकेज होगा, जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, वो इसको अपने अंदर सोख ले, ताकि आपको जो बाहर से झटके लगते हैं करंट के वो ना लग सके। इसी के लिए वर्निश की जाती है। चढ़ा दी जाती है ताकि परस्पर विद्युत विद्युत रोधी बनाया जाता है। क्या है,
ताकि यह परस्पर क्या हो, इससे करंट फॉलो होते रहे और यह विद्युत रोधी लगातार बनता रहे। इसके बाद आर्मेचर बोर्ड पर वाइंडिंग की जाती है। वाइंडिंग की जाती है जनरेटर के रूप में आर्मेचर को हिमालय पर आर्मेचर वाइंडिंग में विद्युतीय चुंबक बल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उत्पन्न हो जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उत्पन्न हो जाता है। जिससे एकत्रित कर बाह्य परिपथ में जीत लिया जाता है। बाह्य परिपथ में जीत लिया जाता है जबकि मोटर जबकि मोटर के रूप में आर्मेचर के चारों ओर लगन मैग्नेटिक पोल चारों मैग्नेटिक पोल में उच्च चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने से आर्मेचर घूमने लगता है एवं एवं
तो क्या करेंगे हम लोग जिंक का जिंक परिवर्तन इसका नाम है संरचना है कठोर तांबे के अनुभवी आकार परिवर्तन में केंद्रीय बल एक परिवर्तन संतों का पिछला भाग संतों का पिछला भाग उसे छत दे वाइंडिंग जुड़ी होती है, फाइनेंशियल वाइंडिंग जुड़ी होती है। इस उभरे हुए भाग को राइजर राइजर
यही आपका है दिक् परिवर्तन। तो क्या कह रहा है कि आर्मेचर क्या है, तो डीसी मशीन में गतिशील भाग आर्मेचर अथवा रोटर क्या रहता है, क्या है डीसी भाग में मूविंग करने वाला पार्ट क्या है, आर्मेचर या रोटर कहा जाता है, इसे हम आर्मेचर के नाम से भी जानते हैं या इसे रोटर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि स्थिर स्टेटर में गति करता है। स्थिर स्टेटर यानी कि इस पूरे स्टेटर के अंदर में क्या है ये रहता है और उसमें यह मूव करता है, ये क्या है मूव करते रहता है और ये स्थायी रूप से यहाँ पर फिक्स रहता है। क्या करने वाला, मूव करने वाला यहाँ पर वायरिंग लगा हुआ रहता है, यहाँ पर एक पोल शू होता है, पोल शू के जरिए पुल्ली यहाँ पर जुड़ा रहता है और यहाँ से आर्मेचर के वाइंडिंग से अब आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि हम कितने फेज वाले मोटर का इस्तेमाल करना चाहते हैं या हम कितना फेज निकालना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हम तीन फेज निकालना चाहते हैं, तो तीन फेज वाला यहाँ पर कनेक्शन करेंगे, कनेक्शन मतलब वाइंडिंग करेंगे, उसमें तीनों टर्न का अलग अलग क्वाइल होना चाहिए, एक थोड़ा सा मोटा एक उससे थोड़ा सा पतला एक सबसे पतला, इस तरह से वाइंडिंग की जाती है और नहीं तो मोटे तार से कम वाइंडिंग करेंगे। हाँ, सबसे ज़्यादा बेहतरीन कौन सा होता है, पतले तार होता है। आर्मेचर का कोड 0.3 mm से 0.5 mm का होता है, यानी कि इसका बीच वाला जो कोड मतलब केंद्र, इसका जो मुख्य केंद्र होगा वो 0.3 mm से 0.5 mm मोटी उच्च चुंबकशीलता वाली इस्पात यानी स्टील की पट्टियों से बनाया जाता है। उच्च चुंबकशीलता मतलब हाई मैकेनिज्म वाली स्पार यानी स्टील की पट्टी से बना होता है, ये जो है जैसे भी हाई मैकेनिज्म स्टील की पट्टी से बना हुआ है ये सब, और इसी के ऊपर क्या कर दिया जाता है वार्निश की जाती है। वार्निश क्या हो जाता है कि जब इसके ऊपर से कॉपर वायर से या एल्यूमिनियम वायर से जब हम लपेटेंगे कोटली नुमा बनाकर इसको लपेटेंगे तो क्या होगा, पहले तो ये नमी सूख चुका है, अब जो वायर का भी जो नमी होगा उसको भी अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेगा और बाहर से कोई भी नमी को उसको सोखने की शक्ति बचेगा नहीं और उसमें नमी आएगा नहीं और अर्थ जो बाहरी लीकेज जो हो रहा है वोल्टेज ड्रॉप उसको भी वो सोख लेगा। बाहरी लीकेज नहीं होने देता। इसके बाद आर्मेचर कोर पर वाइंडिंग की जाती है, क्या कर क्या कर वार्निश करने के बाद इसे वाइंडिंग करेंगे, इसकी प्रत्येक पट्टी पर वार्निश की पट्टी पर चढ़ा दी जाती है, बोलते हैं कि इसके प्रत्येक पट्टी जितनी भी पट्टियां हैं इसके ऊपर वार्निश की पतली पतली चढ़ा देती है। क्यों चढ़ा दिया जाता है, ताकि परस्पर विद्युत रोधी बनाया जाता रहे, यानी कि जितना बार इसके रेजिस्टेंस ब्रेक होगा उतना बार क्या करेगा ये विद्युत रोधी इसे बनाते रहे ताकि करंट फॉलो होने में कभी ब्रेक ना हो। विद्युत चुंबक इसके बाद आर्मेचर कोर पर वाइंडिंग की जाती है, वार्निश लगाने के बाद क्या होता है आर्मेचर कोर पर वाइंडिंग कर दी जाती है, वाइंडिंग मतलब कॉपर के वायर से मेनी टर्न से उसको वाइंडिंग की जाती है। जनरेटर के रूप में आर्मेचर को घुमाने पर तो जनरेटर का क्या काम था, वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जनरेटर का क्या काम था, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, वही कह रहा है कि जनरेटर के रूप में आर्मेचर को घुमाने पर आर्मेचर वाइंडिंग में ये जो आर्मेचर का वाइंडिंग किया हुआ है उसमें विद्युतीय चुंबक बल यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रो ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का हिंदी क्या होता है? विद्युत चुंबक बल 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 उत्पन्न हो जाता है जिससे एकत्रित कर बाह्य परिपथ में भेज दिया जाता है। और ये क्या करता है, जो ईएमएफ उसमें उत्पन्न हो रहा है उसको अपने में ऑब्जर्व कर लेता है, ऑब्जर्व करने के बाद उसको बाहर भेज देता है। बाहर कहाँ, जो परिपथ द्वारा हम उसमें तार वायर निकाले हुए हैं उसमें वो बाहर भेज देता है, जिससे आपको लगातार वो मोटर गतिमान करते रहे, भेज दिया जाता है। जबकि मोटर के रूप में आर्मेचर के चारों ओर भेज दिया जाता है, जबकि मोटर के रूप में आर्मेचर के चारों ओर लगे मैग्नेटिक पोल में उच्च चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने से आर्मेचर घूमने लगता है। मोटर का क्या काम होता है, सुबह विद्युत चुंबक को ऑब्जर्व करके क्या करेगा, यांत्रिक ऊर्जा में बदल देगा, यानी कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम से वह मैकेनिकल सिस्टम में रूपांतरित कर देता है, यानी कि एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में मोटर ट्रांसफर करने का काम करता है। और जब हाई फ्रिक्वेंसी उत्पन्न होता है तो क्या होता है, आर्मेचर घूमने लगता है और वांछित कार्य संपन्न हो जाता है। वांछित कार्य मतलब जिस कार्य के लिए हम इसका उपयोग कर रहे हैं वो कार्य मेरा संपूर्ण हो जाता है, पूरा हो जाता है। अब हम देख लीजिए इसका डायग्राम क्या करता है। ये जो यहाँ पर बना हुआ है ये खास टाइप का देख रहे हैं, ये क्या है, रोटर का भाग, ये मेन भाग। यहाँ से क्या है, वायरिंग लगा हुआ है, कैसा वायरिंग, बॉल वायरिंग। और यहाँ पर ये बॉल के जरिए यहाँ पर एक पुली लगा दी जाती है। पुली इसलिए लगाया जाता है, जैसे सपोज यट हम कनेक्ट करके मोटर चलाना चाहते हैं या घास काटने के लिए कल चलाना चाहते हैं या हमें पानी निकालने के लिए उपयोग करना है मोटर का, तो उससे एक पुली के जरिए हम उसको चला सकते हैं, इसका काम ये होता है। और यहाँ पर जो ये है, जो बीच में आप गैप देख रहे हैं, यही दिक परिवर्तक है, यानी कि इसका मेनली केटर है, एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है। जब इसमें हम लपेटते हैं इसी बीच खाच में क्या करते हैं कि इंसुलेटेड जो पेपर होता है उसमें डाल देते हैं, पहले वार्निश कर देते हैं, उसके बाद उसके ऊपर ये लगा देते हैं। तब क्या करते हैं कि इसी खाच में हम उस जो कॉपर वायर हम लगे हुए लिए हुए हैं उसमें क्या करते हैं, गोल गोल मतलब कुंडली टाइप का उसमें लपेट देते हैं। लपेटने के बाद भी आपका काम खत्म नहीं हुआ है, उससे क्या करेंगे, उसके ऊपर फिर से वार्निश कर देंगे। अंदर से तो वायरस है नहीं, ऊपर से क्या हो जाएगा, वो इंसुलेटर का काम करेगा, अंदर से भी विद्युत रोधी होते रहेगा और बाहर से वो विद्युत रोधी का काम करेगा। और फिर क्या होगा, इससे जो जब वायरस लग जाएगा तो इंसुलेटर हो गया, उसमें क्या होगा, ऊपर से विद्युत अगर तो तार को जोड़ेंगे बाहर से सप्लाई के लिए वो नहीं चलेगा, इसलिए उसके ऊपर वाले सिरा को छील देना चाहिए, यानी कि को घीस कर साफ कर देना चाहिए ताकि वायरस छूट जाए। उसके बाद वहां से इंसुलेटेड वायर से कनेक्शन कर देंगे। ये क्या है, डीसी मोटर है, क्या पर है, डीसी मोटर। जब सप्लाई देंगे तो क्या होगा, करेंट लगभग 1 से 2 सेकंड या 5 सेकंड का टाइम लगता है और इसमें आ जाएगा। जब आएगा तो क्या होगा, यहाँ पर ये आर्मेचर स्टेटर के अंदर जो आर्मेचर लगा हुआ वो घूमने लगेगा और करंट फॉलो होने लगेगा। तो ये था आर्मेचर। अब हम पढ़ेंगे आर्मेचर में जो ये खास दिक परिवर्तक जो लगा हुआ रहता है उसका क्या काम है। तो दिक परिवर्तक यानी कि कम्युनिकेटर, दिक परिवर्तक को आर्मेचर के शाफ्ट पर लगाया जाता है। क्या है, दिक परिवर्तक को आर्मेचर के शाफ्ट पर लगाया जाता है। शाफ्ट मतलब गोल टाइप का शाफ्ट होता है, उसमें लगाया जाता है, देखिए ये शाफ्ट,
मतलब जिसके ऊपर उल्ली लगाया जाता है उसी को बोलते हैं शार्क। जो गोल गोल घूमेगा राउंड करेगा, इसका उपयोग आर्मेचर वाइंडिंग में प्रेरित धारा, प्रेरित धारा मतलब उत्पन्न धारा को, जो ईएमएफ उत्पन्न हो रही है उस धारा को बाह्य परिपथ में भेजने के लिए किया जाता है। यानी कि कम्युनिकेटर का क्या काम है, जो ईएमएफ उत्पन्न हो रही है जो करेंट ऑब्जर्व जो उससे होने के बाद वो क्या करता है बाहर भेजता है, यानी कि अब भेजने का काम करता है। ये क्या करता है भेजने का काम करता है। अब कह रहा है कि एक परिवर्तक की सामान्य संरचना दर्शाई गई है, यहाँ पर इसका डायग्राम बताया गया है। ये क्या है पट्टी है, ये स्ट्रिंग की पट्टी इसमें जुड़ी हुई रहती है, परत दर परत लगाया रहती है, इसलिए इसको इतना परत लगाया गया है ताकि जब भी वोल्टेज फ्लक्चुएट करती है जैसे कम या ज़्यादा होता है तो इसको सहने की शक्ति प्रदान करती है और इसको ब्रेक नहीं होने देता है। यह प्राय कठोर तांबे के खंड भी आकार में लगाए जाते हैं, देखिए तांबे के खंड भी आकार में यहाँ पर लगाया हुआ है। दिक परिवर्तन में अपेक्षा अपकेंद्रित बल, क्या अपकेंद्रित बल दो तरह के बल होते हैं ना, अभिकेंद्रीय बल अपकेंद्रीय बल। तो जब अपकेंद्रित बल का जब यहाँ पर दर्शाया जा रहा है दिखाया जा रहा है तो एक बार जान लेते हैं कि अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल क्या होता है। अपकेंद्रीय बल क्या होता है, वह आगे की ओर लगता है, जैसे ट्रेन में हम बैठे हुए सफर कर रहे हैं तो हम उसी की गति के अनुसार चल रहे हैं, यानी कि हम उसके जड़त्व के अधीन हम आ चुके हैं। जैसे ही ब्रेक लगता है ट्रेन का तो क्या होता है आगे की ओर झुक जाते हैं, तो ये क्या है अपकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल कहाँ पर काम करता है, जब मौत का कुआं आप देखे होंगे वहां पर क्या है अभिकेंद्रीय बल काम करते रहता है, जिसके कारण चालक जो मोटरसाइकिल वाहक है वो चारों ओर घूमते हुए भी क्या है वो मौत के कुएं के बाहर नहीं निकल पाता है और गिरता नहीं आता है। वैसा कब होगा जब वो अपने जड़त्व से जैसे 0.610 प्लायर वेग से अधिक एफिशिएंसी से वो या अधिक स्पीड से वो बाहर निकल जाएगा, यानी कि 0.610 की स्पीड से वो ज़्यादा स्पीड में चलाएगा तब क्या होगा मौत की कुएं से वो बाहर निकल जाएगा। अभी के लिए बल ठंड से बाहर नहीं निकलने देता है और ये क्या क्या करता है अकेले पर कि इसको अपने जहाँ पर इसको फिक्स किया गया है उसको अपने ठंड से बाहर नहीं निकलने देता है। दिक परिवर्तन खंडों का पिछला भाग, ये जो है पिछला भाग दिक परिवर्तन इसका जो खंड का ये पिछला भाग है वो उभरा होता है, देख रहे हैं ना ये उभरा हुआ है यहाँ से और यहाँ पे कुंजी लगा दी जाती है जिस पर आर्मेचर वाइंडिंग जुड़ी हुई होती है, इससे क्या होता है आर्मेचर वाइंडिंग जो यहाँ पर दिखाया गया है ये इससे जुड़ा हुआ रहता है। इस उभरे हुए भाग को राइजर कहा जाता है, इसी उभरे हुए भाग को क्या कहते हैं राइजर। ऐसे राइज मतलब क्या होता है उगना, राइजर मतलब क्या होता है उगाने वाला, यानी कि जिसको फोर्स कर रहा है। तो क्या आइए जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो तांबे का एक खंड है, तांबे का टुकड़ा और ये क्या है हब किनारे का बल। हब मतलब जिसके अंदर करेंट ऑब्जर्व किया जाता है, यह हब है और ये बल्ब की तरह यहाँ पर शॉक की तरह काम करता है। ये कुंजी है, कुंजी कैसा है जहाँ से हम जो भी फेज हम निकालना चाहते हैं न्यूट्रल फेज और लाइन, यानी तीन फेज हम निकालेंगे तो उसमें जो न्यूट्रल रहेगा ना तीनों निकालेंगे, लेकिन वो ऐसा वाइंडिंग किया हुआ रहता है तो वह एक आपका जब हम चाहेंगे कि एक मेरा अर्थ का काम करे तो वह एक आपका अर्थ का काम करेगा, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा कैपेसिटर का यूज करना पड़ेगा। जब हम चाहते हैं कि एक फेज न्यूट्रल और एक लाइन का काम करे तो उसमें कैपेसिटर आपको लगाना पड़ जाएगा।
तो आप ये टॉपिक समझ गए होंगे। अब हम न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, डीसी जनरेटर।